नियोस्पोरिन एच ऑइलमेंट जो कि बनाई जाती है जीएसके फार्मा के द्वारा बनाई जाती है, पॉलीमैक्सिन बी 500 यूनिट एंड नियोमाइसिन 3600 यूनिट एंड बैक्टीरियस 400 यूनिट एंड हाइड्रोकोर्टिजोन 10 mg इसके अंदर रहता है। ये 71.51 रुपीज़ का ये पूरा क्रीम रहता है, जो कि 5 ग्राम का क्रीम रहता है, जो कि यूज़ होता है बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में, इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, और डोज मिस हो जाए तो कैसे लगाने का, और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा, ताकि नियोस्पोरिन एच एंटीबायोटिक क्रीम के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। नियोस्पोरिन एच ऑइलमेंट जो कि बनाई जाती है जीएसके फार्मा के द्वारा बनाई जाती है, और इसका एमआरपी की बात करो तो इसका एमआरपी 71 रुपीज रहता है और 5 ग्राम का रहता है। इसके अंदर दवाई की बात करो तो पॉलीमैक्सिन बी 5000 यूनिट, नियोमाइसिन 3400 यूनिट एंड बैक्टीरियम्स 400 यूनिट और हाइड्रोकोर्टिजोन 10 mg रहता है। इस सब कंटेंट से बनाई गई है क्रीम, जो कि यूज़ होती है बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में यूज़ होती है। अगर आप इस क्रीम को ज़्यादा लगा रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं लगा रहे हो, कंटिन्यूसली लगा रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि जहाँ पे लगा रहे हो वहाँ पे जलन हो सकता है, इरीटेशन हो सकता है, इचिंग हो सकता है और रेडनेस हो सकता है। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकते हैं। तो जब भी इसको यूज़ करें तो डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना यूज़ करें, और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रहे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो नियोस्पोरिन एच ऑइलमेंट काम कैसे करती है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड डाले गए हैं, जैसे कि 3 इसके अंदर एंटीबायोटिक डाले गए हैं, पॉलीमैक्सिम बी, नियोमाइसिन एंड बैक्सीट्रेसिन इसके अंदर डाला गया है एक एंटीबायोटिक। और स्टेरॉइड की बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोकोर्टिजोन डाला गया है, जो कि डिफरेंट मैकेनिज्म रहता है और स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल तो उसको कम करता है। स्टेरॉइड क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है उस सर्टेन केमिकल मैसेंजर को, जो कि स्किन को लाल करने में, सूजन लाने में और खुजली लाने में रेस्पॉन्सिबल रहता है, और बाकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करती है, इफेक्टिवली स्किन के इन्फेक्शन को कम कर देती है। तो ऐसे काम करती है क्रीम। तो इस क्रीम के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।